तो दोस्तों फाइनली आज मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ एक कमाल वीडियो, जहाँ पर आज हम करने वाले हैं रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का टेस्ट इस सैमसंग गैलेक्सी M31S स्मार्टफोन में। देखते हैं जो इसमें हमें सपोर्ट मिलता है रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का, क्या वो वाकई यहाँ पर काम करता है या फिर नहीं। और आप सभी को बता दूं कि इसमें हमें जो है 6000 mAh की बैटरी दी गई है सैमसंग गैलेक्सी M31S में, और साथ ही हमें यहाँ पर जो है 25 वाट के फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। और साथ ही हमें यहाँ पर जो है बॉक्स में ये टाइप सी केबल दी गई है, जो कि दोनों तरफ से यहाँ पर टाइप सी मिल जाती है, तो हम कहीं से भी जो है इसको अपने मोबाइल के साथ में लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो टेस्ट होने वाला है रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का, ये होगा सिर्फ ओनली 10 मिनट का। 10 मिनट्स में देखते हैं कि ये जो सैमसंग गैलेक्सी M31S है ये इस मोटरोला वन फ्यूजन प्लस की बैटरी को यहाँ पर कितने परसेंट चार्ज कर देगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन के भी बटन को प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी को इन दोनों का एक बार बैटरी परसेंटेज यहां पर चेक करा देता हूं। तो अभी जो सैमसंग गैलेक्सी M31S में जो इसकी बैटरी है वो है अभी 77%, वहीं इस मोटरोला वन फ्यूजन प्लस में जो बैटरी परसेंटेज है वो है 83%, यहां पर आप देख सकते हो। और दोस्तों ये जो मोटरोला वन फ्यूजन प्लस है ये सपोर्ट करता है टर्बो पावर को। तो देखते हैं रिवर्स वायर्ड चार्जिंग को कनेक्ट करने के बाद में क्या ये टर्बो पावर को कनेक्ट करेगा या फिर नहीं। और इसमें भी हमें जो है यहाँ पर 18 वाट का फास्ट चार्जर मिल जाता है आउट ऑफ द बॉक्स। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पर जो है इसको कनेक्ट करने जा रहा हूँ इस मोटरोला वन फ्यूजन प्लस में। और एक बार यहाँ पर आप जो है टाइम देख सकते हो कि अभी हो रहे हैं 11:28, तो मैं यहाँ पर जो है करता हूँ इसको कनेक्ट। और दोस्तों मैंने यहाँ पर जो इसको कनेक्ट कर दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि टर्बो पावर यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर अभी जो बैटरी परसेंटेज है वो है 83, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों 10 मिनट के बाद में कि कितनी परसेंट यहाँ पर जो है बैटरी चार्ज कर देता है ये सैमसंग गैलेक्सी M31S स्मार्टफोन इस मोटरोला वन फ्यूजन प्लस में। तो दोस्तों मिलते हैं हम यहाँ पर 10 मिनट के बाद में, फिर देखते हैं कि क्या हमें जो है रिजल्ट देखने के लिए मिलता है इस सैमसंग गैलेक्सी M31S के रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का। तो दोस्तों यहाँ पर 10 मिनट्स जो है कंप्लीट हो चुके हैं और एक बार हम यहाँ पर जो है दोनों का बैटरी परसेंटेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर सैमसंग गैलेक्सी M31S में जो बैटरी परसेंटेज थी वो थी 76-77 के आसपास जब इसको कनेक्ट नहीं किया था। तो अब यहाँ पर जो इसकी बैटरी परसेंटेज है वो है 74, और वहीं इस मोटरोला वन फ्यूजन प्लस में जो बैटरी परसेंटेज थी जब इसके कनेक्ट नहीं किया था तब थी इसकी 83%, और अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसकी जो बैटरी परसेंटेज है वो है 84। तो दोस्तों यहाँ पर 10 मिनट में जो है यहाँ पर 1% यहाँ पर अभी तक जो है बैटरी यहाँ पर बढ़ी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि टर्बो पावर कनेक्ट होने के बाद में यहाँ पर जो ये चार्जिंग हो रही है रिवर्स वायर्ड चार्जिंग से वो यहाँ पर जो है कितनी स्लो हो रही है। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता यहाँ पर जो रिवर्स वायर्ड चार्जिंग हमें दी गई है सैमसंग गैलेक्सी M31S में वो यहाँ पर जो है सही तरीके से काम कर रही है, क्योंकि अगर आप मान लो 10% यहाँ पर अपने मोबाइल में बैटरी चार्ज करते हो तो वहाँ पर आपको जो है यहाँ पर 100 मिनट्स के आसपास लग जाएगा। तो ये मतलब आपको जो है काफ़ी टाइम लग जाएगा यहाँ पर 10% की बैटरी को चार्ज करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने, 10 मिनट में यहाँ पर जो है ओनली 1% यहाँ पर बैटरी चार्ज हुई है। और आप यहाँ पर देख सकते हो अभी जो है इसमें 73% यहाँ पर बैटरी हो गई है, फिर भी यहाँ पर जो है बैटरी परसेंटेज अभी नहीं बढ़ा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ये चार्जिंग हो रही है वो यहाँ पर कितनी स्लो हो रही है। बाकी दोस्तों अगर आपके पास में कोई सैमसंग का दूसरा स्मार्टफोन है और आपके पास में ये सैमसंग गैलेक्सी M31S स्मार्टफोन भी है, तो एक बार आप जो है ज़रूर से सैमसंग के डिवाइस में चेक करना, क्या पता वहाँ पर जो है हमें और कुछ रिजल्ट देखने के लिए मिले। बट आपके सामने यहाँ पर जो है मोटरोला के स्मार्टफोन में जो रिजल्ट देखने के लिए मिल रहा है वो यही है कि इसमें जो बैटरी परसेंटेज है वो यहाँ पर बहुत ही स्लो चार्ज हो रहा है, और यहाँ पर जो है टर्बो पावर भी कनेक्ट हो चुका था फिर भी पता नहीं क्यों इतना स्लो चार्ज हो रहा है। तो बाकी दोस्तों एक बार जो है आप जरूर से चेक करना और मुझे नीचे कमेंट्स करके बताना। तो दोस्तों बस आज के फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम दोस्तों किसी एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।